बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने मोहतरम भाई दोस्त हाजी मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने हमारे भाइयों को, दोस्तों को, अजीजों को इधर इकट्ठा किया। मैं उसका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी ये दुआ है जो आजी साहब ने जो माशाल्लाह स्कीम का आज इफ्तिताह किया है, इंशाल्लाह जो उसकी मेहनत मुशक्कत देख रहा हूँ, इंशाल्लाह ये मंसूबा कामयाब होगा। सबसे पहले जैसे हमारे हाजी अली मदद साहब ने कहा कि बुनियादी सहूलतें जो उस स्कीम में होंगी वो स्कीम कामयाब होगा। यहाँ सबसे बुनियादी मसला पानी का है। अभी आप इस एरिया को देख रहे हैं, इस तरफ पानी नहीं है, कोलपुर में पानी है। उसके बाद गैस का, उसके बाद बिजली का सेवरेज सिस्टम जब होगा तो ये स्कीमें कामयाब होगी। और हमारी ये दुआ है कि सारे सहूलियात जो ये 10 में हाउसिंग स्कीम बन रहे हैं इनको मिले। 2004 की बात है, मैं जब रिन्यू मिनिस्टर था, ग्वादर बिल्कुल पीक पे पहुंचा हुआ था, लोग गाड़ियों में, मैं उस फ्लैट में जा रहा था तो ये छोटे बोरिया जो मनी कहते हैं, ये नोटों से भरते लोग जा रहे थे ज़मीन खरीदने के लिए, और उधर फिर रहे थे। कुछ वाकिफ लोग थे, वो रहे थे हमें ज़मीन चाहिए, कोई अच्छा सा आदमी दे दें कि उसमें जंजाल वगैरह नहीं हो, हम ज़मीन खरीदें। मगर बोर्डे लग गए, स्कीमें अनाउंस हो गई, इतने स्कीमें अनाउंस हो गई, कोई लंदन में बैठा था, कोई फ्रांस में बैठा था, वहाँ से अपने बुकिंग कराता था। 2004 में जब MQM के मिनिस्टर शिपिंग थे, उन्होंने आकर मुशर्रफ के साथ गडानी पोर्ट का ऐलान किया तो ग्वादर बिल्कुल बैठ गया उसका पट्टा, और आज तक बैठा हुआ है। कोई वो ज़मीनों को अभी वो नहीं कर, पहले एक डेढ़ साल पहले दश्त में जो ज़मीनों का हुआ तो कई स्कीमें शुरू हुए, मगर उसके बाद जो अरिस्तान का मसला था, वहाँ से लोग जो अफगानिस्तान के आए थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, वो वहाँ से यहाँ से माइग्रेट करके दोबारा अपने वतन चले गए, तो क्योंकि पैसा उनका था, उससे कीमतें भी काफ़ी हाई हो चुकी थी। उसके बाद वो कीमतें अपने जगह पर से उससे भी कम आकर बैठ गई। यहाँ सारे सहूलियात हाजी साहब अपने से कोशिश करेगा, मगर ये गवर्नमेंट आप बलूचिस्तान या पाकिस्तान को जो फेडरल से सब्जेक्ट है, जैसे गैस का है वो उनसे है, जैसे बिजली है उससे है, जैसे पानी है सूबाई सब्जेक्ट, इसके लिए ये हो सके तो ये स्कीमात कामयाब होंगी। अदरवाइज जब आप सहूलियात नहीं देंगे, लोग यहाँ आएंगे तो मेरे ख्याल उनका गुजर बसर मुश्किल होता जाएगा। हाजी अली मद साहब ने मैंने पूछा जो आपने 2014 से स्कीम छू गए उसका पानी का, बोलता है पानी अल्लाह देगा। मेरी भी दुआ है कि पानी अल्लाह दे, मगर उसके लिए मनसूबा बंदी लाजमी है।
इस पंडाल में बैठे हुए जिस इतने में हमारे भाई दोस्त बुजुर्ग आए हैं, मैं उनका दिल तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे ये भी कहता हूँ कि दुआ करें अल्लाह इस जो माशाल्लाह स्कीम है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं और मेरी जाती भी यही दुआ है कि अल्लाह इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाए और उसे कामयाबी से अमकिनार करे। वस्सलाम। मैं मीर मौला बश का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसी ने एक ऐसे इलाके में जिसका नाम दश्त है, यहाँ पे माशाल्लाह सिटी के नाम से एक हाउसिंग स्कीम का इंतखाब किया और खुसूसन यहाँ पे जो सामने हमारे बैठे हुए हैं, हमारे बलूचिस्तान के जो सफ़ेद रीश सियासी वर्कर कबायली और कबायली मशरान, ये सबसे बड़ा कामयाबी है कि सबको बुला के आज आपने माशाल्लाह सिटी का इफ्तिदा करवाया। साथियों, आप तमाम दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि दश्त में सबसे पहले मैंने 13 मील पे हाउसिंग स्कीम का इफ्तिदा किया 2014 में, 9 गुलशन मुजम्मिल के नाम से। तो लोगों ने कहा कि दश्त को देखो और हाउसिंग स्कीम देखो। आज आप देखें माशाल्लाह दश्त में 100 से ज़्यादा हाउसिंग स्कीम है। हाउसिंग स्कीम के वजह से जो दश्त में हमारे लोगों को जो मुश्किलात का सामना था वो ख़त्म हो रहे, बिजली आ रहा है, पानी आ रहा है, तरक्याती काम हो रहे और खुसूसन हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है और हमारे यहाँ के जो कबायली लोग हैं जो सदियों से यहाँ आबाद थे उनकी ज़मीनें भी कीमत कर रहे हैं। पहले तो हमारे लोग सर्दियों में कच्ची की तरफ जाते थे या सिंध की तरफ जाते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तमाम लोग यहाँ पे सर्दियों में भी यहाँ आबाद है क्योंकि यहाँ गैस है, यहाँ बिजली है, यहाँ रोड है, हर सहूलत है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इस माशाल्लाह सिटी हाउसिंग स्कीम में अपना हिस्सा डालें। इनकी कामयाबी से मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों की कामयाबी है। यहाँ पे एक हाउसिंग स्कीम है, कल दूसरा, परसों तीसरा, आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 से भी ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने वारदादा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया। इंशाल्लाह ताला आपका ये मेहनत रंग लाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। माशाल्लाह सिटी के बारे में जो हमने आपने लॉन्च किया हुआ फेस वन है, तो यहाँ तक ये महदूद नहीं होगा माशाल्लाह सिटी, क्योंकि हमने मज़ीद इसको आगे बढ़ाना है। और हमारी जो माशाल्लाह सिटी है वो 750 एकड़ पे है, जो कि मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताना चाहूँगा जो हमारे स्टेज पे मिसिंग हो गया है। जो हमारे ज़्यादातर हमारे जो 80% स्कीम का है वो पहाड़ों से मुंसलिक है, जो हमारे बलूचिस्तान में खूबसूरती जो पहाड़ है उनसे मुंसलिक है। और इस्पेशल हमारी जो स्कीम में जो है इस्पेशल जो प्लस पॉइंट है अपने फूड जोन है, इसी तरह हमारे जो माशाल्लाह सिटी फेस टू में है वो स्विमिंग पूल के हवाले से बहुत बड़ा झील हमने बनाया हुआ है और इसी तरह फायर रेंज भी है। तो माशाल्लाह सिटी इंशाल्लाह एक ऐसा मंसूबा है जो कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा मेगा माना जाता है और ये आज मीर मुलादत राजा के ज़ेर निगरानी पे होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे माशाल्लाह सिटी कामयाब होगा। जिस तरह से माशाल्लाह के हवाले से जो है राजा साहब ने ऐलान किया कि हर 50 किलोमीटर पर जो है एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाएंगी, वो कब से शुरू की जाएंगी? ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द, पहली से मेरे ख्याल में ये भी जो आज मीर मुलादत राजा साहब ने जो चेयरमैन ऑफ माशाल्लाह ग्रुप ऑफ बिजनेस है उसने अनाउंस किया हुआ है, जो ये बहुत खुशाइन बात है हमारे बलूचिस्तान के लिए, जो हर 50 किलोमीटर पर एम्बुलेंस होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो ये स्पेशल एक पैकेज के तौर पे इन्होंने अनाउंस किया, ये बहुत खुशाइन बात है बलूचिस्तान के आवाम के लिए। स्पेशली जो
स्कीम का हमने 36 महीने इसके प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन रखा हुआ है, सिर्फ ये इसलिए है कि हमारी जो NOC मिल चुका है और हमारे गैस बिजली आ चुका है स्कीम में, तो इंशाल्लाह हमारे प्लस एक और पॉइंट भी हमने बेंगलोर भी बना के दे रहे हैं, प्लस इसमें कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा बहुत जल्द। स्कीम के अंदर अगर आप देखते हैं तो तमाम वो सहूलतें मौजूद हैं, जैसे आप बिजली उसकी NOC ले चुके हैं, स्कीम की NOC हो चुकी है, फिर उसके अलावा जो फार्म हाउसेस का आगे प्लान है वो भी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए शेयर किया जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप सब तालियां तो नहीं मैं बोलूँगा कि तालियां बजाएं हाजी साहब के लिए, बस ये दुआ कीजिएगा कि इस तरीके से लोग मतलब हाजी साहब चलते रहे, लोगों की बेटरमेंट के लिए एक सोसाइटी के अंदर अपने मतलब कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और तमाम लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि हर इंडिविजुअल अगर इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए सोचेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ते माशरा तरक्की की तरफ जाएगा। ओके जी, सॉरी फॉर दैट, मुझे मोहम्मद सादिक लिखाया, मोहम्मद सदीक रिंद साहब सर, सॉरी फॉर दैट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे सारे साथियों, मेरे बुजुर्गों, सबको सलाम। एक ये स्कीम ऐसे स्कीम बनाया गया ख़ास हमारे सरकारी मुलाजमीन के लिए, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये तो मीर साहब का और मीर आसिम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इसमें कि हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया, और ख़ास हमारे कच्ची के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि हम तो सारी ज़िंदगी तनख्वाह ले कर जो है ना वो खर्च करते रहते हैं, तो हम अपने मकान का सोच भी नहीं सकते। तो ये आजी साहब ने इस पर किस्तों पे इसको बनाया हमारे लिए, ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, जिसमें रोड कटिंग और नक्शे का भी इसमें जो है चार्जेस नहीं है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये मैं मीर साहब का और मीर मौलादाद साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसमें। तो इसमें जो स्कूल और कॉलेज वगैरह भी इसमें बनाए हैं, और इसके लिए भी हमें हो सकता है कि कोयटा जाना ना पड़े इसमें, और बसों का भी इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि कोयटा से एक बस हमारे लिए यहाँ आएगा और एक बस यहाँ से कोयटा के लिए जाएगा, हॉस्पिटल और पार्किंग और जॉगिंग के लिए भी बनाए इन्होंने। तो जितने भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनाए गए हैं, हमारे लिए जो सहूलियात दिए गए हैं, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। अस्सलाम वालेकुम रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चीफ गेस्ट, मेहमान ख़ास मीर आसिम कुर गेलू साहब, और माशाल्लाह बिल्डर्स के चेयरमैन आजी मीर मौलादा राजा साहब, नवाबजादा जाफर खान मक्सी साहब, और तमाम दोस्त जो आए हैं। माशाल्लाह स्कीम आज इस दश्त में, जैसे कि एक दोस्त ने कहा कि दश्त कहते हैं वीराने को, हकीकत ये है कि इंसान कोशिश करता है। हमारे दुआ है अल्लाह पाक इस स्कीम को दिन दुगनी रात दुगनी कामयाब करे। जहाँ तक बात इंसान की नीयत का है, शायद मच बोलान में वाइस शख्सियत आजी मीर मौलादाद है, जो इंसानियत के लिए और कच्ची बिलखसूस बलूचिस्तान के लिए उन्होंने कामयाबी नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उन्होंने अपने नीयत से ये बावर कराया जो भी उसके हाथ में था, जैसे माशाल्लाह उठक के नाम से, इससे कितने इंसानियत फवायद उठा रहे हैं और कितने कच्ची और बलूचिस्तान के लोग इससे फ़ायदे उठा रहे हैं। क्या हमारे कच्ची और मच्छ और बलूचिस्तान में और सरमायादार कम है? बलूचिस्तान में हमारे खासतौर मच्छ के अंदर मैं कहता हूँ माइनिंग कोले की से उनके सालाना जो राशि बनती है करोड़ों और अरबों के, उनके राशी खाली उनके जो जायदादें हैं वो पिंडी और इस्लामाबाद लाहौर और कराची में। क्या आजी मौलादाद पिंडी को नहीं जानते या लाहौर और इस्लामाबाद को? वो उसकी अपनी नीयत है कि उसने अपने ही शख्सियत पे जो मेहनत उसने की बिलखसूस इस वीरान इलाके को। हमारी दुआ है कि आजी मीर मौलादाद की इस कामयाब स्कीम दिन दुगनी रात चुकनी कामयाब होवे। जिस तरीके से हमारे मीर साहब ने कहा कि हमारे बलूचिस्तान में स्कीम ज़्यादा हैं, उनमें शर्त तो शराइत और वायदे बहुत होते हैं, लेकिन ये स्कीम उनसे मुख्तलिफ होगा। इंशाल्लाह हमारा दुआ है कि ये स्कीम कामयाब होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत कम बात करूँगा, जैसे कि पहले पूरा कोयटा जाता था हमारे पठान बेल्ट के तरफ घूमने फिरने,
और इस तरफ का कोई रुझान नहीं था, यहाँ के हालात भी सही नहीं थे। फिर आज मौलादाद साहब ने एक अच्छा पॉइंट बनाया कोलपुर में, तो हमारा ये इलाका भी मशहूर हुआ और लोगों का आना भी बहुत इधर शुरू हो गया। मैं ख़ुद भी आज साहब के पास बाइकिंग करने आता हूँ तो हमेशा चक्कर लगता है, और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इनने बलोच बेल्ट को काफ़ी उठाया है, और अल्लाह इनको और कामयाबी करेगा और इंशाल्लाह और ऐसे प्रोजेक्ट लाएंगे इंशाल्लाह।